नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय भाषा परिवार। संसार में 12 भाषा परिवार हैं। कुछ लोग संसार में कहते हैं कि 10 ही भाषा परिवार है। तो मित्रों, संसार में कितने भाषा परिवार हैं इसमें काफ़ी मतभेद है। संसार में भाषा परिवारों की संख्या 9 से लेकर 13 तक बताया गया है, लेकिन सामान्य मतानुसार कहते हैं कि संसार में 12 भाषा परिवार है। अब रही संसार की भाषाएं, इसमें भी मतभेद है। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2796 भाषाएं हैं। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि संसार में 4000 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को 12 भाषा परिवार में बांटा गया है। उसमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो भारतीय भाषा परिवार है। हम भारतीय भाषा परिवार के बारे में भारतीय संदर्भ में बताए थे, आज हम विश्व के संदर्भ में भारतीय भाषा परिवार को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं संसार की भाषाएं। चलिए भारतीय भाषा परिवार, ठीक है। पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। भाषाओं की संख्या कितनी है इसमें के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। लगभग लगाना पड़ेगा कि संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ विद्वानों के अनुसार सत्ताईस सौ छियानवे भाषाएं हैं। एक अन्य मतानुसार संसार में 4000 भाषाएं, 4000, क्योंकि भाषाओं की संख्या में काफी मतभेद है और भाषा परिवार में भी मतभेद है। आम लोगों मानते हैं कि संसार में 12 भाषा परिवार है। अब आते हैं संसार में भाषा परिवार की संख्या, मतभेद है। भाषा परिवारों की संख्या बारह है। संसार में भाषा परिवारों की संख्या 12 है, लेकिन कुछ अन्य मतानुसार भाषा परिवारों की संख्या 9 से 13 तक है। हाँ, अधिकतर जगह यही बताया जाता है कि संसार में 3000 भाषाएं हैं और भाषा परिवारों की संख्या 12 है। कहीं कहीं आपको 9 भी मिलेंगे, 10 भी मिलेंगे, 12 तो अधिकतर जगह मिलेंगे, 13 भी मिलेंगे।
अब आते हैं संसार के जो सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे प्रमुख भाषा परिवार, वो जो है भारतीय परिवार है। आइए अब आते हैं भारतीय भाषा परिवार। यह संसार का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये भारतीय जो बना है, भारत और यूरोपीय मिलाकर, भारत से भार लिया गया है और यूरोपीय से ओपीय लिया गया, तब बना है भारतीय, यानी भारत और यूरोप, यूरोपीय, भारत और यूरोपीय से भारतीय शब्द बनाया गया है। इसको अंग्रेजी में इंडो यूरोपियन बोलते हैं, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। हिंदी में भारतीय भाषा परिवार, अंग्रेजी में इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। इसका दूसरा नाम इंडो जर्मनिक भाषा परिवार भी है। इसका दूसरा नाम इंडो जर्मनिक भाषा परिवार भी है। इंडो जर्मनिक, इंडो यूरोपियन और भारतीय, इसके तीन नाम हैं। इसके बोलने वाले यूरोप एशिया में हैं, इसलिए इसका नाम भारतीय पड़ा है। इसके बोलने वाले यूरोप और एशिया में है, तभी भारतीय नाम रखा गया है। भारत एशिया में है, यानी यूरोप से लेकर एशिया भारत तक बोलने वाले हैं, इसलिए इसको भारतीय भाषा परिवार कहा गया है। संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और भारत का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है। चलिए अब हम चलते हैं भारतीय परिवार को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसे दो प्रमुख भाषाओं में बांटा गया है। हालांकि इस वर्गीकरण में थोड़ा मतभेद है। मतभेद कहाँ है वो हम आपको यहां बताएंगे। इसकी जो दो प्रमुख शाखा है, देखिए, पहला है यूरोपीय शाखा, दूसरा है एशियाई शाखा। यानी भारतीय परिवार की जो यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको यूरोपीय शाखा, इस शाखा को केंटुम शाखा भी बोलते हैं, केंटुम शाखा, केंटुम शाखा, और एशियाई शाखा को शतम शाखा भी कहा गया है। यह शतम, केंटुम और शतम क्या है? देखिए, यूरोपीय भाषाओं में सौ के लिए, सौ के लिए शब्द शतम, यूरोपीय भाषाओं में सौ के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह केंटुम बोलते हैं, और एशियाई भाषाओं में सौ के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शतम होता है। शतम मतलब सौ होता है। इसके आधार पर इसकी दो शाखाएं केंटुम और शतम रखा गया, लेकिन यह इस वर्गीकरण में थोड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया। तो खारी भाषा जो एशिया में निकल आई वो केंटुम वर्ग की शाखा मानी, केंटुम वर्ग की भाषा मानी जाती है। तो खारी भाषा, देखिए, तो खारी भाषा
एशिया में बोली जाती है। लेकिन यह केंटुंग वर्ग की भाषा है। तोखारी भाषा के आधार पर ही इस वर्गीकरण में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैंने बताया कि जो यूरोपीय भाषाओं में सौ के लिए प्रयुक्त शब्द सौ है और एशियाई भाषा में शतम के लिए, एशियाई शाखा में सौ के लिए शतम शब्द है। लेकिन तोखारी भाषा जो है पश्चिम एशिया में बोली जाती है, लेकिन यूरोपीय शाखा में रखा गया है, इसलिए थोड़ा इसमें मतभेद हो गया है। अब आते हैं इनकी जो अनेक उपशाखाएं हैं, इसकी 10 प्रमुख शाखाएं हैं। चलिए सबसे पहले केंटुंग शाखा, की भाषा केंटुंग शाखा की भाषा है केल्टिक, जर्मनिक, ग्रीक, रोमन शाखा। केल्टिक, जर्मनिक, ग्रीक, रोमन, हिट्टी और तोखारी। केल्टिक शाखा इसके अंतर्गत आयरलैंड और स्कॉटलैंड की भाषा, केल्टिक शाखा के अंतर्गत आयरलैंड और स्कॉटलैंड की भाषा मानी जाती है। जर्मनिक शाखा के अंतर्गत जर्मन, अंग्रेजी और डच भाषा। देखिए अंग्रेजी जो है भारोपीय परिवार के केंटुम के अंतर्गत जर्मनिक शाखा की भाषा है। अब आते हैं ग्रीक, यूनानी भाषा, खाली ग्रीक भी बोल सकते हैं, ग्रीक एक ही बात है। रोमन्स में इटली की भाषा, फ्रेंच, पुर्तगाली। देखिए इटली की भाषा यानी इटालिया भाषा, फ्रेंच भाषा और पुर्तगाली भाषा, स्पेनिश। ये भाषाएं रोमन शाखा के अंतर्गत है, हिट्टी शाखा के अंतर्गत हिट्टी भाषा ही है और तोखारी शाखा के अंतर्गत तोखारी भाषा ही है। तोखारी भाषा पश्चिम एशिया में चलती है। तो ये जो है भारोपीय परिवार के केंटुंग वर्ग की भाषाएं। अब आते हैं शतम वर्ग की भाषाएं। शतम वर्ग की शाखाएं, इसकी भी अनेक शाखाएं हैं। देखिए इसमें से दो प्रमुख शाखा है, स्लेवोनिक शाखा। इसके अंतर्गत रूसी भाषा, पोलैंड की भाषा, दूसरा है ईरानी शाखा। यानी शतम वर्ग की में दो प्रमुख शाखाएं हैं, स्लेवोनिक शाखा और भारत ईरानी वर्ग शाखा। स्लेवोनिक शाखा में रूसी भाषा और पोलैंड की भाषा,
भारत ईरानी वर्ग के अंतर्गत जो है भारत और ईरान की भाषाएं। भारत ईरानी वर्ग के अंतर्गत तीन उपशाखा है, इसके अंतर्गत तीन उपशाखा, पहला है ईरानी उपशाखा, दूसरा है दरद उपशाखा, तीसरा है आर उपशाखा, आर्यन लैंग्वेज। इसके भारत ईरानी उपशाखा के अंतर्गत फारसी भाषा है, फारसी भाषा। दरद उपशाखा के अंतर्गत कश्मीरी भाषा है, कश्मीरी भाषा। हम आर उपशाखा के अंतर्गत जो भाषाएं हम आपको विस्तार से बताएंगे, उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो आर्यन लैंग्वेज है, आर उपशाखा की भाषाएं हैं, हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। चलिए, ये दरद उपशाखा जो है, इस उपशाखा की भाषा कश्मीरी है। कश्मीरी भाषा ईरानी उपशाखा और आर उपशाखा की कड़ी है। कश्मीरी का जन्म 85 प्राकृत से हुआ है, 85 प्राकृत, 85 प्राकृत से ही पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आर उपशाखा। आर उपशाखा, मित्रों, उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं आर उपशाखा की भाषा है। उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं भारोपीय परिवार के आर उपशाखा की भाषाएं हैं, आर उपशाखा की भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत है भाषा संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, असमिया, बांग्ला। ये जो भाषाएं हैं भारोपीय परिवार के आर उपशाखा की बोलियां हैं, आर लोग बोलते हैं। इन भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है। आर्यन भाषा का विकास, भारोपे परिवार की आर्य शाखा की जो भाषाएं हैं उसका विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत जो है इन भाषाओं की माता है, सबसे पुरानी भाषाएं हैं, और इन भाषाओं की लिपि भी ब्राह्मी लिपि से जन्म लिया है। इनकी लिपियां भी, लिपियां भी ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप है। विकसित रूप में हम कह सकते हैं कि इनकी जो लिपियां हैं, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, इसके अलावा मराठी लिपि, मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है, मराठी अलग से कोई लिपि नहीं है, हालांकि कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और कोंकणी की भी जो लिपि है वो देवनागरी है।
दरअसल कोंकणी भाषा कोई अलग से भाषा नहीं है, कोंकणी भाषा गोवा में चलती है, यह मराठी भाषा का ही एक विकसित रूप है, लोकल रूप है, और इसकी लिपि भी देवनागरी ही है। इसके अलावा नेपाली भाषा जिसकी लिपि भी ब्राह्मी ही है, नेपाली भाषा भी संस्कृत जन्मी है, उड़िया असमिया बांग्ला भाषा भी संस्कृत से जन्मी है, और इनकी लिपियां जो है वो ब्राह्मी से ही जन्मी है। इन भाषाओं में सबसे जो है पुरानी संस्कृत है। इसके अलावा श्रीलंका की भाषा, श्रीलंका और मालदीव की भाषा, भाषा भी आर उपशाखा की भाषा है, आर उपशाखा की भाषा है। मित्रों आज भर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय परिवार की आर शाखा के बारे में जो कुछ बताया, संसार की भाषा परिवार के बारे में और उसकी बोलियों के बारे में जो कुछ बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। आज भर इतना ही। नमस्कार।